हेलो गाइस, अगर आपके भी फिजिक्स में 30-40 मार्क्स, 10-20 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 30 आ जा रहा है, 40 आ जा रहा है, मैक्सिमम 50 का घंटा टच हो रहा है, तो गाइस शायद ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो नीट 21 का क्या होने वाला है, इसकी चिंता आपको सता रही है, मुझे पता है। डोंट वरी गाइस, ये वीडियो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है। एटलीस्ट मैं अश्यूम कर रहा हूँ कि भाई जो आपके 30-40 मार्क्स आ रहे हैं ना, उसे आपको इतने चैप्टर्स बताऊंगा 60 प्लस हो जाएंगे, चिंता मत करिए। 60 प्लस ओके। अब आप बोलोगे 60 प्लस से क्या होता है भाई, 30 मार्क्स से बहुत फर्क पड़ता है, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस बच्चे का 1-2 मार्क्स से, 5-7 मार्क्स से मेडिकल कॉलेज छूटा, उसको फर्क जरूर पड़ता है। बिकॉज शायद इंप्रूव कर सकते थे 1-2 चैप्टर जो मिस कर दिए, या कोई न्यूमेरिकल, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है, इट्स मे राइट। अगर मे है अभी हमारे पास, ओके मे के बाद हमारा अप्रैल खत्म हुआ है, तो क्या हुआ मई के जून जुलाई भी बाकी हैं गाइस, और ये ऐसे चैप्टर्स हैं आप ऑलमोस्ट 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर कवर कर लोगे। मैं अश्यूम कर रहा हूँ पूरा कि आप कवर कर सकते हो, एंड इतनी अश्योरिटी मेरे तरफ से, दीज चैप्टर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो चलिए जल्दी से देखते हैं ये वीडियो आपको कैसी मदद कर सकता है। तो चलो उस चैप्टर्स के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं कि कैसे आप मार्क्स बढ़ा पाओगे। आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, इसके अंदर जो 3 चैप्टर है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, राइट। तो इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं 4 से 5, 4 से 5 MCQs पूछे जा सकते हैं, और ये लास्ट के जो भी तुम्हारे 3-4 ईयर का ट्रेंड है, मैं उसके बेसिस पे ही बोल रहा हूँ, उसी से मैंने ये चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, जिसमें श्योर शॉर्ट है हर साल क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर में 0 हो गया है क्वेश्चन। तो मैंने वही चैप्टर सेलेक्ट किए हैं आज, जिसमें हर साल क्वेश्चन आए हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि भाई इस साल पूछा अगले साल नहीं पूछेगा। तो आप पहले उन चैप्टर्स को करो जिनसे एकदम हाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दीज आर द चैप्टर्स, आप सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, देन सेमीकंडक्टर्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली पढ़िए, 3 MCQs एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं, ओके मिनिमम 2 और 3 पूछे जा सकते हैं। तो देख रहे हो आप वहाँ पे अगर 4 से 5 और यहाँ 3 है, नियरली 8 MCQs आप ऑलरेडी अगर कर रहे हो, तो भाई 32 तो अभी आपके आ जा रहे हैं यार। ओके चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। क्लास 12th में जब हम लोग जाते हैं ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स को बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं, ओके आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आई नो दैट। स्टिल थोड़े एमसीक्यूज कमजोर है, उनको अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो नियरली 3 से 4 एमसीक्यूज कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप एड ऑन करते जाइएगा इस मार्क्स को, देखिएगा कैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो नियरली 12 एमसीक्यूज के लगभग हो चुके हैं आपके, अगर आप ये सही करो तो। एंड गाइस एक बात बता रहा हूँ, अगर आप 10 दिन अगर टाइम दे रहे हो, तो कहाँ से गलती होगी मुझे बताइए, कहाँ से गलती होगी यार। इतनी तो मेहनत मैं जानता हूँ आप कर सकते हो, बट वही है लेजीनेस, लेजीनेस को हटाएंगे गाइज और डेफिनेटली मार्क्स बढ़ा के दिखाएंगे आपको। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे लास्ट के 2-3 ईयर का ट्रेंड में 3 से 4 MCQs पूछे गए हैं, कभी 2 भी आए हैं, बट आए हैं जरूर इसमें लास्ट के 3-4 ईयर में, तो इसके एक्सपेक्टेड MCQs बन जाते हैं 3 से 4। देन लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशन, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं तो उससे बहुत इजी तरीके से हमें ग्रेविटेशन के सवाल हमसे सॉल्व हो सकते हैं, और लास्ट के 3 साल में इससे 2-2 MCQs पूछे गए हैं, और लास्ट ईयर 1 पूछा गया था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे 2 MCQs। अगर आप इन चैप्टर्स को सबसे पहले कर रहे हो, क्योंकि आपके मार्क्स ऑलरेडी कम आ रहे थे एंड यू आर लाइक कि समझ नहीं आ रहा मार्क्स कहाँ पे बढ़ाऊँ, तो आप इन चैप्टर्स को करिए डेफिनेटली, उसके बाद आप दूसरे चैप्टर्स पे जाइए, जिससे कि एटलीस्ट आपका ये चैप्टर स्ट्रांग हो, कि इससे सवाल आए तो नहीं बिगड़े भाई। क्योंकि हम जानते हैं आपकी जो भी टेस्ट सीरीज होती है उसमें आपके मार्क्स फिजिक्स में कभी 40 आ जा रहे हैं, ओके हार्डली 50 आ जा रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ भाई 50, तो आपने अगर ये चैप्टर्स नहीं किया तो इनके मार्क्स को मत छोड़ो गाइस, क्योंकि ये हाई वेटेड चैप्टर्स हो जाते हैं, इनको आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। और मैं वही चैप्टर बताया हूँ जो नीट 2019, 2018, 2017 ये सब में पूछा गया, उन्हीं से मैंने सिर्फ निकाला है कॉमन, और अभी तो बहुत सारे MCQs वाले चैप्टर बाकी हैं बताना, उसको भी बताऊंगा क्यों, लेकिन पहले आप ये करिए, बिकॉज इनका जो बोलते हैं ना कि इनका मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है, इससे आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, जल्दी बूस्ट होगा आपका स्कोर, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको और छोटे मोटे MCQs आप क्रैक कर लेते थे, लेकिन बढ़िया से आप अगर किसी चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो पहले आप इनको करिए। अगर आपके सारे चैप्टर ये वाले फिनिश है तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेंड को और ज़्यादा एनालाइज करेंगे और बता देंगे कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, कैसे उसको सुधारा जाए। अगर अप्रोच में गलती है, चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं, बोला कि भैया थ्योरी वेरी सब पढ़ चुके हैं बट मार्क्स नहीं आ रहे, डोंट वरी, उसके लिए भी वीडियो हम जल्दी ही बना देंगे। या फिर अगर आपको और कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का।
और अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, हम लोग ट्राई करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जितने जल्दी से जल्दी हो सके आपकी हेल्प कर पाए, बिकॉज यहाँ पे मैं और मेरे साथ पूरी टीम बैठ के, इनफैक्ट देयर आर लॉट्स ऑफ जूनियर्स जिनके साथ डिस्कशन होता है, एंड आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत पॉजिटिव अप्रोच लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो गाइज तो आप जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ये चैनल नीट के साथ भी रह रहा है और आपके नीट के बाद भी हेल्प करता रहेगा एज इन मेडिकल कॉलेजेस। थैंक यू सो मच गाइज़।